आप सभी का स्वागत है आज के इस नए ब्लॉग में। और अभी मैं ब्लॉग का प्रारंभ कर रहा हूँ हमारे यहाँ के सिमरा बहियार से। और हम लोग यहाँ पर आए हुए हैं सरस्वती पूजा का बांस काटने के लिए। हम लोग का जो पूर्वज था वो यहीं रहा करते थे, यहीं पर हम लोग का घर था पुराना। उसके बाद धीरे धीरे जो है नदी में बाढ़ वगैरह आने के कारण लोग धीरे धीरे उठकर थोड़ा ऊपर की तरफ हम लोग जो है चले गए थे, हम लोग का फिर दादाजी लोग। तो हम लोग अब वहीं रहते हैं और अभी पुराने जगह पर आए हुए हैं बाड़ी के तरफ। और यहाँ पर हम लोग बांस काटने के लिए आए हुए हैं सरस्वती पूजा का। ये सुधीर वहाँ पर बांस काटना प्रारंभ कर दिया है, अरविंद मुंह धो रहा है और इधर सिकंदर जो है धूप सेक रहा है। और ये बोर्ड देख लीजिए, मैंने कुछ दिन पहले ही यहाँ पर लिखा हुआ था। तो चलिए अब अपना काम प्रारंभ करते हैं और सुधीर के साथ में लगते हैं। सुधीर ने तो एक बांस काट लिया और हम लोग ढूंढ रहे हैं कहाँ से जो है अच्छा अच्छा बांस मिल जाए, कहाँ वाला काटा जाए, इसलिए अभी आगे की तरफ जा रहे हैं। ये अरविंद ने भी एक बांस काट दिया, अब इसका जो है वो जो पत्ता वगैरह रहता है उसको छांटा जा रहा है। गिरे भाग 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 ये भाग। अब सिकंदर लग चुका है जो भी इसमें पत्ता वगैरह है उसे काटने के लिए। तो यहाँ पर तीन बांस कट चुका है, उधर भी एक कटा सुधीर गया है दूसरे तरफ बांस कटने के लिए। बहुत ज्यादा ठंड लग रहा है क्योंकि सुबह को उठ के जो है बिछावन में ही पड़े रहते हैं, लेकिन आज आ चुके हैं इधर बांस काटने के लिए। तो रास्ते में भी बहुत ज्यादा ठंड लगा और इधर बांस काटने का तो काम चल ही रहा है। इधर अरविंद और सुधीर काट रहा है, उधर सिकंदर भी है साथ में। तो सबको ही मिलके अभी हम लोग लगे हुए हैं ताकि जल्दी जल्दी बांस काट के यहाँ से चले जाए, फिर आगे काम में भी सबको अपना अपना जाना है। और ये कुछ इस प्रकार का नजारा है हम लोग के सिमरा बहियार का। तो देखिए अब बांस लेके अरविंद आगे निकल चुका है और पीछे से ये सुधीर जा रहा है धीरे धीरे। उसके बाद हम और सिकंदर और बांस काटेंगे, फिर यहाँ से आगे निकलेंगे। पहले ये दोनों आया था तो ये दोनों को पहले भेज लेते हैं। हाँ जी, तो देखिए इधर सिकंदर रुका हुआ है और इस तरफ सुधीर और अरविंद बांस लेके निकल चुका है। अब हम लोग दोनों बांस काटेंगे फिर लेके चलेंगे। तो बांस काटते काटते थोड़ा इधर आए हुए हैं और यहाँ पर देखिए बहुत सारा सब्जी लगा है। तो चलिए एक झलक सब्जी का भी आपको दिखा देते हैं, फिर आगे अपना काम करके और घर निकलेंगे। There's something that'll give you relief. There's something that'll have what you need. What you need. We're broken, it's tragic, we're not. तो मैंने आपको यहाँ पर जो भी सब्जी लगा हुआ था उसका एक झलक दिखा दिया। उस तरफ तो और भी बहुत सारा सब्जी लगा हुआ है, लेकिन उधर अभी नहीं जाएंगे क्योंकि देर हो जाएगा। तो और भी जो है बांस वगैरह काटना है, तो चलिए काटते हैं। अभी पवन लोग भी आ रहा है, मालिक अभी देर से पहुंचे हुए हैं बांस काटने के लिए और साथ में एक और बंदा आ रहा है। तो अभी बांस काट के घर आ चुके हैं और नाश्ता वगैरह करके तैयार हो गया है। और ये देखिए मोटो ब्लॉगिंग के लिए कैमरा भी हमने हेलमेट में लगा लिया। चलिए अब चलते हैं आगे के लिए। बाइक हमने स्टार्ट कर लिया और ये देखिए पुआल पूरे में रखा गया है। जो धान हुआ था, धान हो जाने के बाद जो पुआल बचा हुआ था वो कल लाके यहाँ पर रख दिया है। वो देखिए पूरा एकदम सामने में रखा हुआ था, इसको अच्छे से रखवाना है शाम को। चलिए बढ़ते हैं अब आगे के लिए। तो निकल चुके हैं घर से और आज जाना है कसाठी के तरफ और नदी क्रॉस करके जाना है। मधुपुर जाते समय जो नदी आती है उसके उस पार आज जाना है। तो चलिए बढ़ते हैं धीरे धीरे। ये आ चुके हैं अभी फाटक के पास और इधर हम लोग का स्टेशन रह गया मथुरापुर इस तरफ और इधर है मधुपुर। और ये जो लाइन है ये हावड़ा नई दिल्ली मेन लाइन है। पूरे गांव के अंदर से जाना पड़ेगा, एकदम पहाड़ के नजदीक से अभी गुजर रहे हैं। क्या सुंदर लग रहा है देखने में पहाड़। ये पहाड़ को जो है आप गौर से अगर देखिएगा तो यहाँ पर लगता है जैसे सीढ़ी जैसा बनाया गया, सीढ़ी नुमा है ये। धाप धाप हम लोग बोलते हैं
यहाँ के भाषा में से धाप धाप नजर आ रहा है। हमने देख लिया और इसके आगे भी वो जो है एक पहाड़ ऐसा ही था, लेकिन पूरा उसे पत्थर निकाल के देखिए कबाड़ा बना दिया गया है पूरा। देखिए इसी पहाड़ के बारे में हम बोल रहे थे, पूरा इसका पत्थर वगैरह निकाल के इसको कबाड़ा जैसा बना दिया गया है। अभी कसाठी क्रॉस कर चुके हैं और ये पुल पर अब चढ़ने वाले हैं। तो ये देखिए, ये है कसाठी का पुल और आगे उस गांव में जाके मुझे लिखना और उस तरफ है मधुपुर और इधर रेलवे पुल है, लेकिन इधर दिखा नहीं पाएंगे क्योंकि उधर से धूप है जिस कारण से उधर का व्यू अच्छा आएगा नहीं, तो इधर का ही आपको नजारा दिखाते हैं। आज 4 स्कूल में लिखना है, उसमें से ये पहला हो चुका है, सिर्फ इसमें बॉर्डर देना है और यहाँ से निकलना है। इस तरफ जो है वो रेल लाइन है और पुल है जिसका कि अभी आपको ट्रेन का आवाज भी सुनाई दे रहा होगा, ट्रेन दिखेगा नहीं क्योंकि थोड़ा दूर है यहाँ से पुल। इधर आगे पुल है, देखिए मैं बहुत ज्यादा जूम कर रहा हूँ तब आपको ये दिख रहा होगा, ये रहा रेलवे का ब्रिज। चलिए अपना काम कंप्लीट करते हैं और निकलते हैं यहाँ से, और ये जगह था बेल्टिकरी। तो ये देखिए अब आपको जो है पुल दिख रहा होगा, बहुत आगे है यहाँ से, लगभग 500 मीटर आगे है रेलवे का पुल और बगल में स्टेशन है नवापत्रो, और अभी इस जो है पुल पर हम आ चुके हैं। ये अभी हम जो है अंतिम बोर्ड लिख रहे थे यहाँ पर, उत्क्रमित प्राथमिक विद्यालय पहाड़ तल्ली बुच्ची में, और ये बोर्ड हमने इस जगह पर लिखा है। तो यहाँ का काम हो चुका है लिखा हुआ, अब चलेंगे घर। आज 4 ही बोर्ड लिखने का था क्योंकि एक संकुल वाइज लिख रहे हैं, तो इस संकुल का जो है आज अंतिम था, ये हो चुका है, अब कल से दूसरे संकुल में चलेंगे। जो है हो गया काम आज का और अभी लगभग 3 बज रहा है, तो जल्दी ही घर पहुंच जाएंगे। तो अभी आ चुके हैं मथुरापुर रेलवे स्टेशन के पास जो फाटक है वहां पर, और अभी फाटक क्रॉस कर रहे हैं। देखिए घर आते ही हनी दौड़ के आ गया, अब इसको क्या चाहिए आपको हम दिखाते हैं। ऐसे हम बैठेंगे और ये आएगा ऐसे, देखिए इसको थोड़ा दुलार कर दीजिए, बस इसका हो गया, कोटा पूरा हो जाएगा। थोड़ा सा ऐसे कर देंगे उसके बाद ये चला जाएगा अपने आप, देखिए बैठ गया। देखिए हाथ, देखिए हाथ, देखिए हनी हाथ दे, जल्दी दे, हाँ दे, उठा हाथ, उठा, वाह भालो होंगे, लो जा चल जा बरे होंगे चे आर ना जा। तो चलिए हनी को तो थोड़ा सहला दिया, उसको थोड़ा दुलार कर दिया, वो तो चला गया है। अब हम भी फ्रेश होते हैं और इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं क्योंकि सरस्वती पूजा का जो है अभी तैयारी में थोड़ा पूरा लगना पड़ेगा। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।